हेलो एवरीवन, नमस्कार साथियों। सो बीपीएससी द्वारा बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन, बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा एकीकृत 70वीं संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा से संबंधित जो आवश्यक सूचना आई थी, ये 2 सितंबर 2024 की न्यूज़ थी, जिसमें ये बताया गया था कि एकीकृत 70वीं संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा का डेट, अब जो नया डेट फिक्स हुआ है वो है 17 नवम्बर 2024, मीनिंग 17 तारीख को बिहार लोक सेवा आयोग की तरफ से प्रारंभिक परीक्षा का आयोजन किया जाना है। सो इससे रिलेटेड और भी कुछ इन्फॉर्मेशंस हैं, तो वैकेंसीज भी फाइनली नोटिफिकेशन आ चुका है, तो 1957 पदों पर भर्ती आई। सो एक नोटिस जो है पदों की रिक्तियों से संबंधित नोटिस ये रहा, जिसमें कि कुल पद जो है इस बार वो है 1957, जिसमें लेवल 9 के बहुत ही इंपॉर्टेंट पोस्ट, जो बिहार सरकार में उच्च स्तर की सेवाएँ होती है, जैसे कि बिहार प्रशासनिक सेवा में अनुमंडल पदाधिकारी या वरीय उप समाहर्ता के पोस्ट है, या पुलिस अधीक्षक जिसे हम डिप्टी पुलिस उपाधीक्षक जिसे हम डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस के नाम से जानते हैं, DSP की पोस्ट है, और फाइनली SDM की पोस्ट है, जिसमें 200 पोस्ट SDM की है, 136 बिहार पुलिस सेवा में DSP की 136 पोस्ट है, राजस्व अधिकारी की पोस्ट आई है अच्छी खासी, और इसके साथ साथ ग्रामीण विकास पदाधिकारी RDO के नाम जिसे हम जानते हैं, रूरल डेवलपमेंट ऑफिसर, इसकी पोस्ट है 393। तो ओवरऑल सब मिला के बात करें तो कुल मिलाकर 1957 पोस्ट BPSC के इतिहास में पहली बार ये वैकेंसी। 28 सितंबर से एप्लीकेशन ऑनलाइन आवेदन प्रारंभिक करने की तिथि है, और ऑनलाइन आवेदन भरने की अंतिम तिथि जो है वो है 18 अक्टूबर 2024। तो लगभग 20 से 21 दिन का समय दिया जा रहा है आपको इस आवेदन को करने में। बहुत सारी बातें हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो समझना जरूरी है। इस बार भी लाइव फोटो ही लगेगा। तो ये है डिटेल नोटिफिकेशन 70वीं एकीकृत संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा की, जिसमें 2 सारणी में वैकेंसीज का विवरण दिया गया है, डिटेल्स दिया गया है। जो पहली डिटेल्स है वो 70वीं संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा को लेकर के है, और सारणी 2 में CDPO बाल विकास परियोजना पदाधिकारी जिसे हम कहते हैं, चाइल्ड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट ऑफिसर CDPO की बहाली है, जिसमें मात्र 12 पद हैं, पदों की संख्या यहाँ पर कम है, और 1/3 रिजर्वेशन जो है 12 है, तो इसका आप 33% कर दें, तो लगभग 4 सीट जो है महिलाओं के लिए रिजर्व है, महिलाओं के लिए आरक्षित, जो आरक्षण के नियम हैं उनके हिसाब से 1/3 पोस्ट है, तो 12 है मतलब 1/3 कर दें इसका, तो 4 पोस्ट जो है वो महिलाओं के लिए रिजर्व है। तो सारी वैकेंसीज में इसी तरह से हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन रखा गया है 1/3 सीट का, जिसमें अब ये उतना समझना यहाँ पर कुछ है नहीं ज़्यादा, इससे ज़्यादा मतलब तो हमें पढ़ने से है ना। तो अनुमंडल पदाधिकारी की 200 वही सीट है, और 1/3 सब में जो है महिलाओं का एज लिमिट आप देख सकते हैं 22 ईयर्स है अनुमंडल पदाधिकारी के लेवल 9 की पोस्ट में आए हैं, और कुछ कुछ पोस्ट है लेवल 9 की, जितनी भी पोस्ट हैं वो सारी 22 ईयर्स की ही होती है। एक पोस्ट की बात करें वो होम डिपार्टमेंट की जो है, गृह विभाग की जो है, कारा सेवा और जिला समादेष्टा और कारा अधीक्षक की बात करें तो इसमें आपको गृह विभाग के लिए यहाँ पे 20 ईयर्स है, जिसमें कि पुलिस सेवा से रिलेटेड चीज़ों को कहें तो बिहार गृह रक्षा वाहिनी सेवा, जिला समादेष्टा, या फिर कहें तो काराधीक्षक, जेलर, जेल पुलिस के जिसके बारे में कहते हैं, या फिर पुलिस उपाधीक्षक DSP, तो ये जो है ओवरऑल 20 ईयर्स यहाँ पर है, और लेवल 9 की जितनी भी पोस्ट है वो सारी 22 ईयर्स के श्रेणी में आ रही है, ध्यान से देखें। इसके बाद लेवल 7 से 21 ईयर्स का शुरुआत होता है, एक और लेवल 9 में पोस्ट है, योजना और विकास विभाग की तरफ से 23 वैकेंसी, जिसमें 7 वैकेंसी महिलाओं के लिए रिजर्व है। तो श्रम संसाधन विकास, लगभग सारे डिपार्टमेंट से वैकेंसी आ गई है बिहार सरकार के जितने भी विभाग हैं, कुछ विभाग, 1-2 विभाग बचे हुए हैं, तो कुछ और वैकेंसीज आ सकती है ऐसा नोटिफिकेशन में लिखा हुआ है। तो गन्ना उद्योग विभाग बहुत कम यहाँ पे वैकेंसीज है, ना के बराबर। अल्पसंख्यक कल्याण विभाग अच्छी वैकेंसी आई है, समाज कल्याण विभाग देखें, समाज कल्याण विभाग के अंतर ही सहायक निदेशक भी हैं, और बाल संरक्षण सेवा और दिव्यांगजन सशक्तिकरण कोषांग के अंतर्गत है। बिहार शिक्षा सेवा में वैकेंसीज आई हुई है, तो बहुत सारी सेवाओं में आई हुई है, आप पढ़ लेंगे डिटेल नोटिफिकेशन को। इसके बाद लेवल 7 के अंदर भी बहुत सारी पोस्ट हैं, जिसमें कि एक पोस्ट है ग्रामीण विकास विभाग, ये 393 सीट है, 133 सीट महिलाओं के लिए रिजर्व है, 21 ईयर्स एज लिमिट, अपर एज लिमिट 37 ईयर्स है। मैं अब चलता हूँ थोड़ा, यहाँ पर 1945 वैकेंसीज आई हुई है, इसमें 609 महिलाओं के लिए रिजर्व है टोटल, और यहाँ पे 12 ऐड करेंगे तो 1957 हो रहा है, कुल वैकेंसीज 1957 वैकेंसीज टोटल हो रही है। और कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं जो मैं आपको समझा रहा हूँ, तो कुछ रिक्तियाँ वापस ली जा सकती है, लेकिन ऐसी संभावना बहुत कम होती है, रिक्तियाँ बढ़ेगी ही बढ़ेगी यहाँ पर, ये 2000 के आसपास आ सकता है, 1980 या
ये 1965-80 के आसपास वैकेंसी आ सकती है। उक्त विज्ञापन के लिए भरे गए आवेदनों की संख्या के आधार पर प्रारंभिक परीक्षा एक से अधिक पालियों, तो नॉर्मलाइजेशन किया जा सकता है और अधिक संख्या में वैकेंसीज आने की संभावना है, जिसके आधार पर ऐसा निर्णय लिया जा सकता है कि आगे एक से अधिक तीन परीक्षा ली जाए। वन डे एग्जाम ना होकर ये 2 डे एग्जाम मैक्सिमम हो सकता है। शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो बीपीएससी के लिए वही है, स्नातक ग्रेजुएशन आप किसी भी यूनिवर्सिटी से किए हुए हैं जो मान्यता प्राप्त है और किसी भी सब्जेक्ट से किए हुए हैं। बाल विकास परियोजना पदाधिकारी की बात करें तो यहाँ पर ऑप्शनल सब्जेक्ट जो है, यहाँ पर होम साइंस है, साइकोलॉजी है, सोशियोलॉजी है, समाजशास्त्र और लेबर एंड सोशल वेलफेयर यानी LSW जिसे हम बोलते हैं, श्रम एवं समाज कल्याण सब्जेक्ट होता है ये। तो इन सब्जेक्ट के माध्यम से CDPO की वैकेंसीज को भी फिल कर सकते हैं। दोनों के लिए अलग अलग फी लिया जाता है, तो ये ध्यान में रखेंगे। इसके बाद आरक्षण में जाति प्रमाण पत्र बना के रख लेंगे सारे लोग, और स्थानीय अस्थाई निवास प्रमाण पत्र बना के रखेंगे, जिसे हम मूल निवास डोमिसाइल भी बोलते हैं, डोमिसाइल प्रमाण पत्र या अस्थाई निवास प्रमाण पत्र। जो EBC यानी BC1 जिसे हम बोलते हैं, EBC एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लास, या BC1 या फिर BC2 में जो आ रहे हैं, BC2 या फिर BC कहते हैं, तो उन्हें नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट बनवाना होगा EBC या BC के लिए, तो वो अपना बनवा कर रखेंगे। RO लेवल से बनवा लेंगे, राजस्व पदाधिकारी लेवल से, ऐसा कोई नहीं है इसमें कि अनुमंडल स्तर से चलाना पड़ेगा काम। RO लेवल से चल रहा है, अंचलाधिकारी RO लेवल से। EWS सेंक्शन के जो लोग हैं वहाँ, वो अपनी आय और परिसंपत्ति प्रमाण पत्र को भी बनाकर रखेंगे। 10% आरक्षण का नियम अभी भी लागू है, तो पुराने आरक्षण के मुताबिक। कोड अपना ध्यान में रखेंगे कि अनुसूचित जाति में हमारा, या फिर अत्यंत पिछड़ा वर्ग, या फिर पिछड़ा वर्ग बैकवर्ड क्लास में हमारा क्या कोड है, वो ध्यान में रखेंगे, है ना। तो इस तरह से अपना कोड नंबर याद रखेंगे। फॉर्म भरने में थोड़ी भी अगर मिस्टेक होगी तो दोबारा फॉर्म भरने का यहाँ पर नहीं दिया गया है, मीनिंग आप एक बार अगर फॉर्म, मैं आप समझाता हूँ डिटेल से, पहले देख लेते हैं। उम्र सीमा पुलिस सेवा में 20 ईयर्स है, बाकी सब में 21 और 22 ईयर्स। 37 वर्ष यहाँ पर जनरल के लिए है और मैक्सिमम एज लिमिट, और अनारक्षित महिला और अत्यंत पिछड़ा वर्ग पुरुष महिला सबके लिए 40 वर्ग है, पिछड़े वर्ग और अत्यंत पिछड़े वर्ग के लिए। SC ST के लिए 42 ईयर्स जो है ये हाईएस्ट लिमिट है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर कुछ खास ऐसी जानकारी नहीं दी गई है। और जन्मतिथि के लिए कहा गया है मैट्रिक का सर्टिफिकेट यूज करेंगे। इसके बाद शारीरिक क्षमता के लिए परिशिष्ट कॉ में दिया गया है, बिहार पुलिस सेवा जिला समादेष्टा और कारा अधीक्षक पद के उम्मीदवारों के लिए शारीरिक फिजिकल के लिए, जो मेडिकल और फिजिकल होगा उसके लिए परिशिष्ट कॉ अलग से दिया गया है, तो उसे भी देख लेंगे, जो इंपॉर्टेंट बातें हैं। शुल्क की बात करें तो 600 रुपीज़ है, जनरल के लिए 600 है, और वहीं बात करें तो BC EBC सबके लिए 600 ही रुपये है। जनरल BC EBC केवल अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए 150 है, और महिला जो है, चाहे वो किसी भी वर्ग की हो, अस्थायी निवास आरक्षित अनारक्षित वर्ग की जो भी महिलाएं हैं, सबका 150 रुपये फी है। और जो भी दिव्यांगजन हैं, बेंचमार्क डिसेबिलिटी जो हैं, डिसेबल पर्सन, उनके लिए 150 रुपये हैं, और बाकी सबके लिए कहें तो ओवरऑल 600 है। महिला के लिए केवल 150 है, बाकी सभी वर्ग के लोगों के लिए 600 है। SC ST के लिए 150 है, ठीक है, SC ST के लिए 150, बाकी सबके लिए 600, चाहे वो बिहार राज्य के स्थायी हैं, आरक्षण में हैं, EBC EBC हैं, BC हैं, 600 आपको देना होगा। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, हाँ, आधार कार्ड मस्ट वहाँ पे लगा दीजिएगा, नहीं तो 200 रुपये आपको एक्स्ट्रा देना पड़ जाएगा। यहाँ पे लिखा हुआ है, ऐसे अभ्यर्थी जिनके द्वारा ऑनलाइन आवेदन में आधार संख्या अंकित किया जाता है, उन्हें बायोमेट्रिक फी के रूप में 200 रुपये अतिरिक्त शुल्क का भुगतान नहीं करना होगा। मीनिंग आधार कार्ड नहीं देते हैं तो बाद में तो फिर बायोमेट्रिक आपसे ले ही लिया जाता है, तो बात एक ही है, तो आधार कार्ड लगा देंगे ताकि 600 ही फी आपका लगे, या 150 है तो 150 ही लगे। उसके बाद मैं आगे चलता हूँ। प्रारंभिक परीक्षा एकीकृत परीक्षा संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा के लिए परीक्षा संरचना, देखिए इसके लिए मैं वीडियोज पहले भी दे चुका हूँ, पूरी परीक्षा का पैटर्न और मैं समझा चुका हूँ, तो डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे देता हूँ, आप जरूर जाके देख लीजिएगा। यहाँ पर प्रारंभिक परीक्षा भाग वन है, जिसमें कि निगेटिव मार्किंग सारे क्वेश्चंस में रहेंगे, 150 क्वेश्चंस होंगे, 150 बहुविकल्पीय प्रश्न होंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे 150, 2 घंटे की परीक्षा होगी, 150 प्रश्न होंगे, निगेटिव मार्किंग 1/3 होगा, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। उसके बाद थोड़ा आगे बढ़ते हैं, प्रारंभिक परीक्षा केवल जाँच परीक्षा होगी, और प्रारंभिक परीक्षा में जो कैंडिडेट का सिलेक्शन होगा वो 10 गुना होगा जितनी वैकेंसीज हैं, मीनिंग वैकेंसीज यहाँ पर 1957 हैं,
तो 2000 मानकर चलें, और इसके आधार पर लगभग 10 गुना यानी 20,000 यानी 20,000 सेलेक्शन होगा पीटी से। ये चीज़ कंफर्म है, पहले ही दिया हुआ रहता है। कभी कभी 11 गुना, 12 गुना, 13 गुना भी देखा गया है। ठीक है, तो मानकर चलें 20 से 22 हज़ार तक सेलेक्शन यानी रिजल्ट बनने की संभावना है पीटी में, चाहे कैंडिडेट की संख्या 5 लाख हो या 10 लाख हो, नो मैटर। फाइनल सेलेक्शन जो होगा वो 20,000 कैंडिडेट का ही होगा। सब्जेक्ट में दिया हुआ है, डिटेल मैं बता चुका हूँ सारे सब्जेक्ट के बारे में। हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, साइंस है और करंट अफेयर्स है। चार सब्जेक्ट जो है मेन सब्जेक्ट होता है वो ध्यान में रखेंगे। फोर सब्जेक्ट जैसे कि देखिए, एक हो गया ज्योग्राफी ध्यान में रखेंगे, और ज्योग्राफी देखिए इंडियन ज्योग्राफी और बिहार की ज्योग्राफी दोनों को समझना होगा। जो भी पढ़ेंगे पैरेलल पढ़ेंगे इंडिया और बिहार, वर्ल्ड भी देखना होगा। पॉलिटी यहाँ पर उतना इम्पोर्टेंट नहीं है जितनी भूमिका हिस्ट्री की है। तो हिस्ट्री देखें, भारत का इतिहास देखें, और भूगोल देखें, साइंस देखें, विज्ञान देखें, जरूर देखें। साइंस में 30 प्रश्न पूछे जाते हैं, और सामान्य विज्ञान यहाँ पे लिखा हुआ है नॉर्मल। तो साइंस, करंट अफेयर, हिस्ट्री और ज्योग्राफी, यही चार सेक्शन ज़्यादा है, ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बिहार के एग्जाम्स के लिए, खासकर बीपीएससी की एग्जाम्स के लिए। साइंस, हिस्ट्री, ज्योग्राफी एंड करेंट अफेयर्स। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर 70वीं संयुक्त प्रतियोगिता मुख्य परीक्षा के लिए मैंने बता दिया है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप जाकर देख ले। पूरे एग्जामिनेशंस को मैं समझा दिया हूँ। मेन एग्जामिनेशन जो होगा टोटल होगा वो 10 से 20 मार्क्स का होगा, जिसमें कि 900 नंबर का होगा रिटेन और 120 नंबर का होगा इंटरव्यू। तो यहाँ पर 900 नंबर में GS1, GS2 और एक ऐसे होता है पेपर 900 नंबर का। एक हिंदी होता है जो क्वालिफाइंग है, बहुत इजी होता है, आराम से बना लेंगे, क्लास 10 लेवल का कहें। इसके बाद ऑप्शनल एक आपको सेलेक्ट करना होगा, वो भी क्वालिफाइंग है। ऑप्शनल का भी वहाँ पर 36 नंबर EBC के लिए है, BC के लिए है, 40 नंबर जनरल के लिए। तो 40 क्वेश्चन आप मान के चलें ऑब्जेक्टिव MCQ में ऑप्शनल होगा, या जो भी सब्जेक्ट आप लेते हैं 40 क्वेश्चन सही सही बनना चाहिए, बस इतना ध्यान में रखेंगे, केवल क्वालिफाइंग है। ठीक है, इसके बाद हम चलते हैं। तो 110 से 120 नंबर का मेंस होगा, और पीटी में जो भी आप सेलेक्ट होते हैं, एग्जाम पास होते हैं, तो पीटी के एग्जाम का नंबर जो है वो मेंस में काउंट नहीं होता है, रिजल्ट आपका इसी पे बनेगा, मेरिट बनेगा 10 से 20 पर। 900 नंबर का रिटेन होगा और 120 नंबर का इंटरव्यू होगा। ठीक है, पर्सनालिटी टेस्ट 120 नंबर का होगा, और जो मेंस होगा वो 900 नंबर का होगा। ठीक है, तो इससे पहले के वीडियोज़ में मैं सब कुछ समझा चुका हूँ, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप जरूर जाकर देख लीजिए। मुख्य परीक्षा में लिखित प्राप्तांकों के आधार पर व्यक्तित्व परीक्षण के लिए बुलाए जाने वाले उम्मीदवारों की संख्या 2.5 गुना होगी, यानी 2000 वैकेंसी है तो उसका 2.5 गुना कर लें तो लगभग 5000 कैंडिडेट जो है वो इंटरव्यू में सेलेक्ट होंगे, या इंटरव्यू के लिए सेलेक्ट होंगे। मेंस एग्जामिनेशन का रिजल्ट जो है 5000 रिजल्ट आएगा इसमें। ठीक है, मेंस में जो रिजल्ट आएगा वो 5000 आएगा, और पीटी में बनेगा लगभग 20 से 22 हज़ार रिजल्ट। और व्यक्तित्व परीक्षण वही 120 अंकों का होगा, मैंने बता दिया। थोड़ा आगे मैं चलता हूँ, और मेघा सूची मेरिट लिस्ट जो बनेगी वो 10 से 20 की बनेगी, यहाँ पे लिखा हुआ है 10 से 20 की बनेगी, जिसमें कि 900 अंक का जो है रिटर्न होगा और 120 अंकों का साक्षात्कार होगा। और बाल विकास परियोजना पदाधिकारी के लिए भी वही सिस्टम है, यहाँ पर केवल हमारा 300 का निबंध था, तो वहाँ निबंध ना होकर 300 नंबर का चला गया है वो ऐच्छिक विषय। ऐच्छिक विषय जो है वो 300 अंक का है, बाकी सारा चीज़ सेम है। ऑनलाइन आवेदन भरने की जो प्रारंभिक तिथि है वो 28 सितंबर है, और अंतिम तिथि जो है वो 18 अक्टूबर है, 18/10/2024। ऑनलाइन आवेदन भरते समय अभ्यर्थियों से संबंधित सभी प्रमाण पत्र को PDF फॉर्मेट में, तो सारे डॉक्यूमेंट्स को आप PDF बना लें और PDF फॉर्मेट में ही अपलोड करना होगा। जिस सिस्टम से आप आवेदन कर रहे हैं उस सिस्टम अच्छी क्वालिटी का वेबकैम हो, क्योंकि तो लाइव फ़ोटो लगेगा, तो आपको स्टूडियो लाइक सिस्टम बनाना पड़ेगा, सेटअप बनाना पड़ेगा, जिसमें कि आप फोटो कैप्चर कर रहे हैं तो बैकग्राउंड आपका सफ़ेद होना चाहिए, पर्याप्त रोशनी होनी चाहिए, सफिशियंट सनलाइट होनी चाहिए, और यही सब दी गई है। उसके बाद वो जो आवेदन करेंगे तो OTR के माध्यम से ही होगा, जो पहले भी हुआ था, BOTR करके आपका एक पासवर्ड होगा जो SMS में आया हुआ होगा, तो उसी पासवर्ड जो उन्होंने यहाँ पे लिखा हुआ है कि वैसे अभ्यर्थी जिन्होंने 69वीं एकीकृत सम्मिलित संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा में OTR कर लिया है, वे उस समय प्राप्त यूजर नेम और पासवर्ड से ही लॉगिन करेंगे तो ज़्यादा बेटर होगा। अगर फॉरगोट होगा तो वहाँ पे फॉरगोट करके आपके मोबाइल पर एक और मैसेज आ सकता है, अगर डिलीट हो गया होगा तो। ठीक है, भविष्य में जो भी परीक्षाएं होगी वो एक ही OTR से होगी, ऐसा UPSC में भी हो रहा है अब और SSC में भी हो रहा है, तो जितने भी कमीशंस लाइक एग्जाम है इंडिया में लगभग सब में ऐसे ही हो रहा है। फोटो यहाँ पर वही वेबकैम के माध्यम से कहा जा रहा था, बाकी सारा लाइव फोटो जैसे फॉर्म पिछले बार भराया है सेम तरीके से होगा, सिर्फ 69th में जैसे आपने भरा है। और एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करने के उपरांत
एडिट करने का प्रावधान नहीं होगा, ये सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है, ये ध्यान में रखेंगे। एडिट करने का, पेमेंट देने के बाद अप्लीकेशन, चूंकि टाइम ही नहीं है, एग्जाम जो है वो 17 नवंबर को है और 18 अक्टूबर तक आपसे फॉर्म ही भराया जा रहा है, तो टाइम नहीं है आयोग के पास जो कि आपको फिर से टाइम देकर ये दे, लेकिन ये बहुत रिस्की चीज़ है। तो अप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करने के बाद ऑनलाइन आवेदन में की गई प्रविष्टि में एडिट करने का प्रावधान नहीं है और ना ही आपको करेक्शन के लिए कुछ टाइम दिया जाएगा। तो और हाँ, कैंसिल भी करना चाहते हो तो कैंसिल नहीं कर पाएंगे, मीनिंग अगर एक बार आपने गलत फॉर्म भर दिया, वैसे अभ्यर्थी जिन्होंने ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया पूर्ण कर ली हो और अगर आपका थोड़ा भी मिस्टेक हो गया, कुछ भी त्रुटि हो गई, तो अपना आवेदन कैंसिल करना चाहते हैं तो कैंसिल नहीं होगा। जबकि पहले ऐसी थी प्रोसेस जिसमें कि कैंसिल करके एक बार फिर से आप अप्लाई करते थे, बट ये अब नहीं है, कैंसिल ही नहीं होगा तो अप्लाई कहाँ से करेंगे, और दो बार अप्लाई करेंगे तो इनवैलिड हो जाएगा। तो ध्यान से काम करेंगे। हार्ड डाउनलोड किए गए आवेदन के प्रत्येक पृष्ठ पर रजिस्ट्रेशन नंबर, बारकोड, सबमिटेड एप्लीकेशन नंबर देखना होगा, जो बाद में एप्लीकेशन फिल्ड करने के बाद जो डाउनलोड करेंगे सब में देखेंगे कि रजिस्ट्रेशन नंबर, बारकोड और एप्लीकेशन नंबर लिखा हो, और नहीं हो तो फिर से एक बार रिफ्रेश करके डाउनलोड करेंगे, सिस्टम से हो जाता है। हेल्पलाइन नंबर ये है 9297739013, यहाँ पर कॉल करेंगे कोई अगर प्रॉब्लम हो इसके बिहाफ। अभ्यर्थी को ऑनलाइन आवेदन भरते समय अपनी स्पष्ट तस्वीर वेबकैम के माध्यम से खींच कर अपलोड करना होगा, मीनिंग लाइव फोटो अपलोड करना होगा। उम्मीदवार संतुष्ट हो लेंगे कि फोटोज और सिग्नेचर वगैरह जो है उनका वो स्पष्ट है, या फिर से एक बार कर देंगे, वहाँ पे दो बार ऑप्शन रहता है। उसके बाद चूंकि भरने से पहले आप ध्यान से भरेंगे, इस प्रतियोगिता परीक्षा में सम्मिलित होने वाले इच्छुक अभ्यर्थियों को निर्देश दिया जाता है कि वे फोटोग्राफ की 5 प्रतियां अपने पास रख लेंगे, यानी जो करंट फोटो होगा, जो लेटेस्ट फोटो होगा, पासपोर्ट फोटो साइज होगा, वो 5 फोटो रख लेंगे। इसके बाद है ऑनलाइन भुगतान में किसी प्रकार के इंटरनेट व्यवधान या असफल भुगतान के बाद अगर ऐसी स्थिति हो तो सुधार का अतिरिक्त समय नहीं दिया जाएगा, ये बहुत बड़ा पॉइंट है, ये पॉइंट मैं बताना चाहता था। इस बार के एप्लीकेशन में ना करेक्शन का टाइम दिया जाएगा, ना दोबारा फॉर्म भर सकते हैं अगर कोई मिस्टेक हुआ, ना एडिट का टाइम दिया जाएगा, नो एडिट नो करेक्शन, फिर से फॉर्म नहीं भर सकते हैं, कैंसिल भी नहीं होगा, तो जो होगा एक बार होगा, है ना। तो ध्यान से काम करेंगे। आवेदक यह भी सुनिश्चित कर लें कि डाउनलोड किए गए आवेदन में हार्ड कॉपी के प्रत्येक पृष्ठ पर बार कोड, सबमिटेड एप्लीकेशन नंबर लिखा हुआ है, वही चीज़ है। और यहाँ पे लिखा है एप्लीकेशन ऑनलाइन भरे गए सूचना मूल प्रमाण पत्र, अंक पत्र से मिलान करने के समय किसी प्रकार की त्रुटि ना हो, यानी आपके आधार कार्ड, आपके मैट्रिक मार्कशीट, क्लास 12 के मार्कशीट, आपके ग्रेजुएशन के मार्कशीट में ऐसे कोई परिवर्तन, प्रॉब्लम हल्का सा चेंज ना हो, हालांकि एड्रेस चेंज से नो मैटर, तो वो आप कभी भी चेंज करवा सकते हैं और सही भी हो जाएगा। तो अभी भी टाइम है आपके पास, एड्रेस को चेंज करवा लें। अंतिम रूप से भरे गए आवेदन को सबमिट करने के बाद अभ्यर्थी उसी समय लॉग इन कर भरा हुआ जो एप्लीकेशन होगा वो डाउनलोड कर लेंगे और 2 प्रति प्रिंट रख लेंगे, ये पहले भी आता था। इस प्रतियोगिता परीक्षा हेतु विस्तृत सिलेबस को मैंने भी बता दिया है और आयोग की वेबसाइट पर है, तो हमने बताया भी है, पिछले वीडियोज़ के डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा या फिर इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देख ले लिंक होगा, और पिछले वीडियोज़ में मैंने बताया भी है। ये परिशिष्ट कॉ जो है वही है बिहार पुलिस सेवा के लिए, कारा अधीक्षक की बात करें या फिर जिला समादेष्टा का जो पोस्ट था उसमें दी गई है 21 वर्ष से अधिक उम्र होना चाहिए, और जो अगर 21 वर्ष से अधिक उम्र है और कंडीशंस दिए गए हैं कि 30 इंच जो है सांस छोड़ने के बाद छाती होगी, तो बिना जूते की हाइट आपकी ऐसी हो, तो अगर इतनी हाइट के लिए इतना कंडीशन है, फिर इसकी इसके लिए ये कंडीशन है। अगर इस तरह का कंडीशन है, मीनिंग 65 इंच है और 68 इंच के बीच आपकी अगर ऊंचा हाइट है, तो 31 इंच होनी चाहिए ये सांस छोड़ने के बाद छाती, तो ये कंडीशन दिया हुआ है, किसी एक कंडीशन को आप फॉलो कर रहे हैं तो बिल्कुल वैलिड है। इसके बाद थोड़ा आगे बढ़ते हैं, सब कुछ दिया हुआ है बिहार पुलिस सेवा के लिए, खास करके यहाँ पर छात कितनी होनी चाहिए, कैस किस तरह से टेस्ट लिया जाएगा, इसको आप पढ़ सकते हैं। वजन किलोग्राम में लिखा जाएगा, किलोग्राम का भिन्नांक नहीं लिखा जाएगा। दृष्टि के लिए कंडीशन है अच्छी आँख 6/24 हो सकती है, चश्मा रहित, चश्मा लगाने के बाद 6/6 होना चाहिए और ये 6/12 भी चलेगा, तो बहुत बेटर है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तैयारी करें डेफिनेटली। ना के बराबर ऐसी त्रुटि, ये मिनिमम त्रुटि यहाँ पे है, मीनिंग यहाँ पर टेस्ट में आपको साइड होने की संभावना ना के बराबर है, आ जाएंगे। और थोड़ा आगे बढ़ते हैं चश्मा लगाने पर, और तरह तरह के मेडिकल टेस्ट दिए गए हैं जो बिहार पुलिस सेवा के कैंडिडेट के लिए हैं, उनकी बोली ऐसी हकलाहट नहीं है या जो भी है, तरह तरह के मेडिकल टेस्ट लिए जाएंगे। तो सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस में, वहाँ पर मैं MCQ बताने वाला हूँ, बहुत सारे MCQ, मैं लगभग बोले तो 5000 से ज़्यादा इंपॉर्टेंट MCQ को डिस्कस करूँगा, सो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस में।